अनुसार किंचित जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार जीव कार्य कर रहा है, इसलिए जीव के कर्मों के सुख दुख जीव को भोगने पड़ते हैं। वो परमात्मा केवल साक्षी रूप में ही विराजमान है, इसलिए तू केवल साक्षी होकर के ही विराजमान है। कभी कभी लीला करने के लिए कर्तुम अकर्तुम होकर के अपनी शक्ति का, विशेष शक्ति का प्रयोग करता है, पर सामान्यतः जीवों को जो स्वतंत्रता दे रखी है उसके अनुसार ही उनको अपने कर्म करने पड़ते हैं। तो इसलिए यशोदा नंदन नहीं है, तो अखिल देवनाम अंतर आत्मदृक, जीव मात्र के हृदय में विराजमान अंतर्यामी है, साक्षी है, दृक माने साक्षी है। विरचिताप है अच्छा, गोपियों के एक आश्चर्य की बात है कि दीनता में प्रार्थना कर रही है परंतु सुनाने में कोई कसर नहीं है, गुस्सा इतनी है हृदय में, प्रेम का बल इतना है कि प्रार्थना के समय भी श्री श्याम सुंदर को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं है। जो हृदय का जो माननीय भाव है और विश्वास है प्यारे के प्रति, क्योंकि मान सर्वदा प्रणय से उत्पन्न होता है, प्रेम वृद्धि क्रम में है, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो यदि मान से प्रणय होता है वो मान उतना श्रेष्ठ नहीं है, प्रणय से उत्पन्न होने वाला जो मान है वो मान से उत्पन्न होने वाले प्रणय की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए प्रणय मान की ज्यादा महिमा है। मान और प्रणय की स्थिति ये है शास्त्र में कि कभी मान से प्रणय उत्पन्न होता है, कभी प्रणय से मान उत्पन्न होता है, दोनों दोनों के कारण है, परंतु जहां मान से प्रणय उत्पन्न होगा वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, जहां प्रणय से मान उत्पन्न होता है वही ज्यादा श्रेष्ठ है। और प्रणय का तात्पर्य है प्यारे में विश्वास, तू मेरा है बस, ये विश्वास। और जब ये विश्वास है तू मेरा है तो मैं जो चाहूं वो तुझसे खरी खोटी कह सकती हूं, हाँ ये। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही है, परंतु प्रार्थना कहते हुए भी विश्वास के कारण श्याम सुंदर को खरी खोटी सुनाने में जरा भी कसर नहीं है। और कह रही है जान गए बिल्कुल यशोदा नंदन है ही नहीं, नंद यशोदा का बेटा तो है ही नहीं, तू तो केवल अंतर्यामी है, परमात्मा है, साक्षी है। ये क्रोध के जो वचन है, तो छिपा हुआ जो क्रोध है प्रेम के कारण वह क्रोध सामने प्रकट हो जाता है, और उस प्रार्थना में भी श्याम सुंदर की निंदा करने में ये जरा भी चूकती नहीं, ये प्रेम की अधिकता में श्याम सुंदर की निंदा करती है। और ये गोपी गीत की पूरी विशेषता ये है कि यहां पर अत्यंत दीनता है, परंतु अत्यंत दीनता में प्रेम के कारण श्याम सुंदर की निंदा करने में भी ये कहीं ना कहीं विराजमान है। इसमें श्याम सुंदर की निष्ठुरता अपने आप प्रकट हो रही है कि हमारे प्राणों को अपने पास में रख करके हमसे कह रहा है गोपियों तुम्हारे पास में है तो सही इंद्रियां, भोगों में संसार के सुख, अब बिना प्राण के हम संसार के सुख कैसे भोगेंगे, इसलिए हम आई हैं तेरे पास में, परंतु तू चाहता है कि हमको कष्ट मिले तो ले हमारे प्राण, हम तुझे ही सौंप रही है, तुझे ही समर्पित कर रही है, हमारे प्राणों को प्राप्त करके तू चिरजीवी हो, हम तो अपने पंच प्राण नहीं बल्कि कोट प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं, परंतु हाय कोट बंताओं के वध का जो पाप लगेगा उससे यदि अब तू बचना चाहता है तो हमारी प्रार्थना यह है कि हमारी प्रेम सेवा करने दे, हर प्राण त्याग हो जाएंगे परंतु तेरी प्रेम सेवा तो मिलेगी नहीं, ऐसे प्राण त्याग करने का भी क्या लाभ कि प्राण त्याग हो जाए तेरी प्रेम सेवा मिले नहीं, इसलिए तुझे पाप न लगे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए इसका एकमात्र तरीका अप्राण त्याग तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका सही तरीका जो है वो सही तरीका ये है कि दैत दृश्यताम, तू अपना दर्शन हमको करा, ये मूल भाव। ऐसे ही तू कमल कोश को भी चुराने वाला है, निंदा करने में कोई कसर नहीं, तू हमारे
मन प्राण धर्म सबको चुराने वाली तेरी दृष्टि महाचोरनी है और तू चोर चक्रवर्ती है। ये निंदा भी चूक, निंदा में कोई चूक नहीं है, निंदा कसके श्याम सुंदर की हो रही है, गुस्सा पूरा विराजमान है, भीतर गुस्सा और अत्यंत रो भी रही है, रुदन कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। इस में दीनता में जो उलाहना वह अद्भुत है, और वो उलाहना तब होगा जबकि अपनापन होगा। ये जो विशेष रूप से रेखांकित करने वाला जो विषय है, वो रेखांकित करने वाला, अंडरलाइन करने वाला विषय ये है कि दीनता में भी जो निंदा है वो इसलिए है क्योंकि प्यारे के प्रति अपूर्ण प्रेम है, उस प्रेम के कारण प्यारे की निंदा, दीनता में भी प्यारे की निंदा की जा रही है और उसमें हृदय का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। और कह रहे हैं विश्वक्ष को भी लगा करके स्वयं काटा जाता है, काय को हमारी रक्षा की, वो उलाहना भी, प्रार्थना भी हो रही है, उलाहना भी हो रहा है, दोनों चीज। हर एक श्लोक में ये दो भाव, क्रोध का भाव भी विराजमान है, छिपा हुआ क्रोध भी और अत्यंत दीनता भी, दो विरोधी भाव, हंसना और गाल बजाना, गाल फुलाना एक साथ कैसे होता है यहां देखा जा सकता है। संभव नहीं है, परंतु प्रेम में यह संभव है कि दीनता में प्रार्थना भी की जाए, घिघियाया भी जाए और प्यारे को खरी खोटी सुनाने में भी कोई कसर नहीं रखी जाए, ये आश्चर्य की बात। विरचिताभ है हम विष्णु धुरियते चरण मीयूषाम संसते भया कर सरोर हम कांत कांदन सरस देन श्री कर ग्रहम। प्यारे तेरे जो श्री हस्त हैं वे विरचिताभ है अभय प्रदान करने वाले हैं। हे विष्णु धुरी, हे धर्मात्माओं में, विष्णु यादव बड़े प्रसिद्ध हैं धर्म के पालन करने में, हे विष्णु धुरी तेरे श्री हस्त अभय प्रदान करने वाले हैं। अब श्याम सुंदर के हाथ की प्रार्थना कर रही हैं, अभय हस्त को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। चरण मीयूषाम संसते भया, जो भी तेरे चरणों में झुक करके अपने सिर को तेरे चरणों में रखे, तू उनके माथे के ऊपर अभय श्री हस्त रखता है। प्यारे हम तेरे चरणों में पड़ी हुई हैं, अपने श्री हस्त को हमारे माथे के ऊपर रख दे। तो वे चिताब है हम अभय प्रदान करने वाले तेरे श्री हस्त हैं। चरण मीयूषाम जो तेरे चरणों में गिरे उनके संस्ते भया, सारे संसार के भय को तू दूर कर देने वाला है। एक बार भी कोई मेरी शरणागति आता है तो मैं उसको अपना देता हूं, ये तूने अनेक अनेक बार अनेक रूपों में तूने प्रार्थना की हुई है। शास्त्रों में श्री रामचंद्र जी के बहुत सारे वचन हैं ऐसे, तो कर सरोर हम कांत कामदम, प्यारे अपने श्री हस्त को शिरस देहना हमारे माथे के ऊपर रख। वह गोपियों तुम्हारे सिर वो को ग्रीष्म में बिरह में तप रहे हैं, मेरे हाथ भरस गए तो बोले कर सरोर हम, कमल की पूजा कमल के द्वारा ही जैसे सूर्य की पूजा की जाती है ऐसे भले तुम्हारा सिर इस समय उष्ण है परंतु उसका पूजन हम हमारे सिर भले गर्म हो रहे हैं सूर्य के समान तप रहे हैं परंतु तू भी अपने कर सरोर हो श्री हस्त के द्वारा हमारे माथे के ऊपर शीतलता प्रदान कर। कांत कामदम ये कामनाओं को प्रदान करने वाला है, शरस देन श्री कर ग्रहण, जिस श्री हस्त की को शोभा ने ग्रहण किया हुआ है, श्री कर ग्रहण कहकर के शोभा के हाथ को पकड़ने वाला, जैसे जिसने पाणि ग्रहण किया है वह कभी फिर उसका त्याग नहीं करता, इसी प्रकार तेरे हाथ ने शोभा को ग्रहण किया, इन हाथ की जो शोभा है उन हाथ की शोभा को तेरे हाथ ने ग्रहण किया, शोभा और हाथ इन दोनों में अब विच्छेद नहीं होगा, जैसे विवाह होने के बाद में फिर कभी भी
दंपति में विच्छेद होगा ही नहीं। ऐसे ही श्री करग्रहण जब तूने शोभा के साथ में तेरे हाथ में पाणि ग्रहण कर लिया, तो अब ऐसे शोभा युक्त श्री हस्त से अब हमारे माथे के ऊपर भी तू हाथ रख दे। ऐसे शोभित श्री करगम का मतलब ऐसी असदार हुआ, शोभित अपने श्री हस्त से हमारे माथे को अलंकृत कर दे। तेरे हाथ शोभा को ग्रहण किए हुए हैं, ऐसी शोभा से हम भी अलंकृत होकर के विराजमान हो जाएंगे। सुश्रत देना हमारे माथे के ऊपर अपना श्री हस्त रख। श्री करग्रहण कहकर के इन श्री हस्तों ने कहीं लक्ष्मी के भी श्री हस्त को ग्रहण किया, शोभा के श्री हस्त को भी ग्रहण किया है। ऐसे शोभित हाथ को, शोभा से युक्त हाथ को हमारे माथे के ऊपर धारण कर। कहा जाता है तू नारायण है, और नारायण रूप में तूने लक्ष्मी के श्री हस्त को ग्रहण किया था, पाणि ग्रहण किया था, अर्थात शोभा को ग्रहण किया था। ऐसे शोभित हाथ से हमारे माथे को अलंकृत कर, हमको आशीर्वाद प्रदान कर। हम देवी शरणागत होकर के आई हैं, और जब विष्णु ध्वनि है तो विष्णु ध्वनि और लक्षण ये क्रोध वापी कहीं प्रकट हो रहा है कि अपने विष्णु ध्वनियता अपने उस यश की रक्षा करने के लिए अब कृपा करके दैत दृश्यताम, ये दैत दृश्यताम सब जगह है, अपने मुख का हमको दर्शन करा दे, मुख का दर्शन करा दे। तू वृजनों की आरती को हरण करने वाला है, वृजन आरते हन, हे वीर, अरे वीर, वृजनों की आरती को दूर करने वाला है। क्या अपनी वीरता अब हम अबलाओं के ऊपर चलाएगा ही क्रोध? ये दूसरा भाव, वीर होकर के जहां तुझे अपनी वीरता दिखानी चाहिए वहां दिखा, अबलाओं के ऊपर वीरता दिखाने में क्या तेरी वीरता की प्रशंसा होगी क्या? इसलिए हमारे ऊपर वीरता मत दिखा इन अबलाओं के ऊपर। तो वीर योशताम, अरे वीर है तो जहां वीरता दिखानी चाहिए वहां वीरता दिखा, इन योशितों के ऊपर, इन अबलाओं के ऊपर वीरता दिखाने पर क्या तेरी महा प्रशंसा होगी क्या? क्यों ऐसा करता है? तो वृजनात्यन, जैसे वृजनों की आरती को दूर करने वाला, तो क्या हम ब्रज में नहीं है क्या? फिर हमको आरती क्यों दे रहा है? तू तो दुष्टों के ऊपर वीर होकर के विराजमान है, तो फिर अब अबलाओं के मारने की वीरता क्यों दिखा रहा है? ये उल्हाना है। अरे वीर, इसलिए अब इन अबलाओं के ऊपर वीरता दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दान वीर बनने की जरूरत है। ये कहने का तात्पर्य, अर्थात दान वीर बन करके अपनी मधुर माँ का हमको दर्शन करा। निज जनस में ध्वंस नस्मे, तो जो निज जन है उनके अभिमान को दूर करने वाला तेरा स्मय माने अभिमान, उसका ध्वंसन स्मिता, उसका नाश करने वाली तेरी मुस्कान है। तेरी मुस्कान ही इतनी प्रबल है कि किसी के भी अभिमान को नष्ट कर देने वाली है। भज सके, श्याम सुंदर बोले, कुल गोपियों मैं तुमसे नहीं बोलता, नंद कुमार मैं ऐसा जिसको शास्त्र कहते हैं नारायण समोगुण, और ऐसे मुझे तुमने तो चोर बना दिया, क्यों मैं तुम्हारे साथ में व्यवहार करूं? मैं क्या चोर हूं क्या? उस समय कह रही है भज सखे, क्या हमारी बात का बोला मत मानू, तू तो सखा है, और सखा होने के कारण कभी हमने तुझसे कुछ कह भी दिया हो तो सखा की बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। सखा तो सखा से कैसे भी बोल सकता है। इसलिए भज सखे, हे प्यारे, हम तेरी किंकरी हैं, ले तुझसे क्षमा मांग रही हैं, माफी मांग रही हैं, दासी हैं, अब तो हमारे ऊपर क्षमा कर दे। हमने क्रोध में आकर के भावावेश में तुझसे कह दिया कि तेरी आंखें बड़ी चोरनी हैं, ये हमने कह दिया कि दिशा तू शरदासे साधया सरस्योदर श्री मुषा, तू शोभा को चुराने वाला है, परंतु तू वीर होकर के अब
नारियों के ऊपर वीरता दिखा रहा है, दान वीरता को दिखा नहीं रहा है, ये बात हमने स्नेह के कारण कह दी। बुरा मतमान, हे मेरे मित्र, अरे सखा, सखा के साथ में तो ऐसी बात कही जा सकती है। भवत किंकरी ही, हम तो तेरी दासी हैं, दासी हैं। प्यारे जल रोहाननम चाप दर्शय, अपने श्री मुख का, जल रोहमान कमल, कमल शरीर के मुख का हमको दर्शन करा दे, इसके लिए हम व्याकुल हो रही हैं। प्रत देहना, तो यहां पर मुख दर्शन की प्रार्थना हो रही है। एक बात बड़ी अद्भुत है और वो बात ध्यान में रखनी चाहिए इस पूरे प्रसंग में, कि गोपिका चाह रही हैं श्याम सुंदर की सेवा करना, पर दिखा रही हैं जैसे उनकी अपनी गरज है। इन सारे श्लोकों को यदि ऊपर से देखें तो इनका यथाश्रुत जो अर्थ है वो ये लगता है जैसे कृष्ण से मिलकर के ये अपने आप का संतोष चाह रही हैं, अपना सुख चाह रही हैं। और ये प्रेमी का एक स्वभाव है कि वो प्रेम रूपी रत्न को काम रूपी संपुट में, दिव्या में छिपा करके रखता है। काम है एक दिव्या, प्रेम है एक रत्न। जैसे रत्न को यदि खाली हो दिखाया जाएगा तो रत्न की चमक नहीं आएगी। जो जौहरी है, गहने को बेचने वाला, वह जब गहना दिखाता है तो नीले रंग के, लाल रंग का जो मखमल है उसके ऊपर रख करके फिर यदि गहने को दिखाया जाए तो उसकी चमक आती है। डिब्बे में बंद करके रखता है तो उसकी चमक रहती है, और हाथ में लेकर के यूं दिखाओ तो शोभा नहीं दिखेगी। ऐसे ही काम रूपी जो दिव्या, उसमें प्रेम रूपी रत्न को सर्वदा छिपा करके रखा जाता है। ऊपर से दिखाया जाएगा जैसे मैं अपना सुख चाह रही हूं, परंतु भाव यह है कि प्यारे तुझसे मिलकर के मैं तुझे सुख देना चाह रही हूं, यह भाव ही उसमें एकमात्र विराज है। तो वृद्ध जनार्थ हम वीर योषिता, तो अब वीर योषिता वीर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि दान वीर बनने की जरूरत है। तो हम तेरी किंकरी हैं, अपने मुख का दर्शन करा दे, दिखा रही है ये जैसे हमारी गरज है, पर दिखाना चाह रही है ये हृदय में भाव है कि हम तेरी सेवा करना चाहती। तो पहले संपूर्ण दर्शन की प्रार्थना की, तो संपूर्ण दर्शन की प्रार्थना करते हुए फिर श्री हस्त प्राप्त करने की प्रार्थना की, मुख दर्शन करने की प्रार्थना की, अब चरण प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। एक श्लोक में श्री हस्त प्राप्त करने की, एक मुख दर्शन करने की प्रार्थना थी। श्री हस्त कर सरोवरम कांत कामनम, इसमें हाथ के स्पर्श की प्रार्थना की, अब चरणों के स्पर्श की प्रार्थना कर रही हैं कि प्रणत देह नाम पाप कर्षणम चरानुगम श्री निकेतनम। प्यारे जो प्रणत जन हैं उनके सारे पापों को दूर करने वाले तेरे चरण हैं। जो भी तेरे चरणों का ध्यान करे उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे चरणों की तेरी कितनी उदारता कि तू तृण चरानुगम श्री निकेतनम, जो गाय हैं, पशु हैं, उनके पीछे पीछे भी जाता है। तो जब पशुओं के पीछे तू दौड़ता है तो क्या अपने प्रियजनों के पीछे नहीं दौड़ेगा क्या? ये उलान कोई उलान कहीं उलाना भी विराजमान है। तृण चरानुगम जब पशुओं की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है तो क्या द्विपाद जो तेरी प्रिया हैं उनकी रक्षा करने के लिए तू नहीं दौड़ेगा? जब चतुष्पाद गायों की रक्षा करने के लिए तू दौड़ता है तो तृण चरानुगम श्री निकेतन हम तेरे चरण शोभा से युक्त हैं, परंतु उन चरणों की परवाह न करते हुए जब चौपायों का इतना ध्यान रखता है तो हम तो तेरी प्रिया हैं, मनुष्य हैं, क्या हमारा तो ध्यान नहीं रखेगा क्या? प्यारे हमारे हृदय में ये विरह रूपी अग्नि लगी हुई है, विरह रूपी सर्प उत्पन्न हुआ है, कृपा करके इस विरह सर्प को अपने चरणों से कुचल दे, कुचल दे। श्याम सुंदर बोले हाय हाय, देखो तो सही, ये कैसी विवेकहीन गोपी हैं,
ऐसे भयानक स्थान जहां पर विरारूपी कार्य सर्प बैठा है और वहां मेरे चरणों को स्थापित करने का ये आग्रह कर रही हैं, ये उचित है क्या? वो भी बोली, बोले प्यारे हम इन चरणों की महिमा को जानती हैं, इन चरणों में ये सामर्थ्य है कि इन्होंने बड़े बड़े सर्पों को कुचल करके रख दिया। फल फलार्पितम ते पदाम्बुजम, इन्होंने अरासुर को छुआ, अरासुर निर्विष हो गया, इन्होंने काली को छुआ, काली निर्विष हो गया, इन्होंने सुदर्शन को छुआ, सुदर्शन निर्विष हो गया, फिर ये बिरहरूपी सर्प उनके सामने क्या है? तेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त करके यह बिरहरी निर्विष हो जाएगा। इसलिए फण फणार्पितम, इन चरणों के प्रभाव को पहले देखा जा चुका है, इसलिए अपने इन चरणों को जिनको काली के ऊपर तूने रखा, कल कुचेश नृक्षयम, हमारे वक्षस्थल के ऊपर रख करके, ये हृदय माने कामदेव, इस काम के विष को तू शांत कर दे, शांत कर दे, क्योंकि ये चरण महागारुणिक होकर के विराजमान है। जैसे गारुणिक मंत्र जिसको आता है, गरुड़ता मंत्र जिसको आता है, विष उसको कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता है, इसी तरह से तेरे चरण महागारुणिक हैं और ये विष के प्रभाव को भी, विराह विष के प्रभाव को भी दूर करने वाले होकर विराजमान होंगे। प्यारे मधुर या गिरा बल्ब बाकिया बुध मनोज्ञा पुष्करे क्षण विध कलीर मा वीर मुहती अधर्षी ना प्याये सुना, तेरे अब प्रार्थना कर रही हैं कि हमें अपने अधरामृत का पान करा, अब अधरामृत का पान करा रहे हैं। ये अधर सीधुना, अधर जो है वो सीधु है, अधर एक अपूर्व रूप से मदरा है, और जैसे मदरा का पान यदि कोई मधुर बोल करके मधुवाला मधुपुरुष वह मदरा का पान कराए तो उसकी मधुमत्तता और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे ही प्यारे तू भी मधुर बोल बोल करके जगा जगा करके हमको इस मधु का पान कर, मधुर या गेरा। अब तेरी वाणी जो है वो वाणी वह मधुर या गेरा, उसमें स्वर ही पहले कितना मीठा, तेरा कंठ स्वर कितना मीठा, फिर कंठ स्वर के साथ में यदि तू कोई गीत मनी मन में गुनगुनाए और आकार में ऊ करके यदि गायन करे, तो ऊ करके जो गायन है वो भी गुनगुना करके जो गायन है वो भी बड़ा मीठा, उस गुनगुनायन के गायन की भी अपेक्षा यदि तू आकार में आ करके यदि गायन करे तो और भी मीठा, उस आकार के साथ साथ यदि कोई गीत भी तरंगों में बिना वाद्य के यदि गायन करे तो और भी मीठा, उस गीत के साथ में भी यदि कोई वाद्य बेणु भी बज रही हो, पूरा ऑर्केस्ट्रा भी बज रहा हो, तो उसकी मिठास का क्या ठिकाना। सब मधुर या कंठ मधुर, गुनगुनाना मधुर, आकार मधुर, गीत मधुर, उसके भाव मधुर, उसकी प्रस्तुति और राग और भी ज्यादा मधुर होकर के विराजमान। फिर बल्ब वाक्य, इसमें शब्दों का जो चयन वो कितना मीठा, फिर शब्दों के चयन के साथ साथ जो बिंब विधान इमेज है वो बिंब विधान वो बड़ी मधुर, फिर उनके पीछे भाव और भी ज्यादा मधुर, भाव के पीछे जो विचार वो और भी ज्यादा मधुर, और विचार के साथ साथ फिर जो कला वह और भी मधुर, काव्य के भाव पक्ष, फिर बिंब पक्ष, फिर विचार पक्ष, और फिर कला पक्ष, फिर संगीत पक्ष, पांच पांच पक्ष यदि हैं तो मधुर या गेरा बल्ब वाक्य, उसमें जो बल्ब मन सुंदर वाक्य का जो प्रयोग किया गया है वो वाक्य बा मधुर बुद्ध मनु गया, और उसमें भी जो ध्वनि है वो ध्वनि रसिकों की समझ में नहीं आएगी, जो रसिक जन हैं काव्य तत्व को जानने वाले हैं वे किसी काव्य की बारीकी को पहचानते हैं कि ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया, बुध मनोज्ञा
जो बुद्धजन हैं उनके लिए वह और भी ज्यादा मनोज्ञ होकर के विराजमान, रसिक जन संवेद्य तेरी बोली ठहरी। ऐसी बोली बोल बोल करके यदि कभी हम तेरे अधर्मत का पान करके मूर्छित हो जाए तो जैसे एक शाकी, जैसे एक मधुमाता वह किसी मद्यप को मधुर मधुर वचन बोल करके जगा जगा करके उस रस का पान कराती है, इसी प्रकार मधु पुरुष के समान तू हमको जगा करके मधुर बोल बोल करके उस अपने अधर्मत का थोड़ा 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 करके बार बार हमको पान करा। विधि करीर माँ, प्यारे हम तेरी विधि करीरी हैं, तेरे आदेश के अनुसार जैसे तू कहेगा वैसे करने के लिए हम विराजमान हैं। वीर, अरे दानवीर, इस मधु का दान भी तू मत ले, इस मधु के मूल्य को भी तू हमसे नहीं लेगा। अरे वीर, इस अधरामृत रूपी मधु का हमको पान करा। मुई हति, हम पहले से ही मोहित हो रही हैं। अधर सीधुना आप्यायस्वना, अपनी अधर सीधु से हमको आप्यायित करते हुए तू विराजमान हो, मधुर गायन करके जगा करके बिना मोल लेते हुए इस अधरामृत का पान करते हुए हमको इस अधरामृत का पान करा। वीर कहकर के दिखा रहे हैं कि यहां पर कहीं युद्धवीर बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दानवीर बनने की आवश्यकता है। इस समय हम दीन दानवीर के पास में आए हैं, हम युद्धवीर के पास में नहीं आए हैं। हम नारियों के ऊपर अपना पराक्रम चलाने की तुझे जरूरत नहीं है, हमको हैरान करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। प्यारे हम तो कभी की प्राणों का त्याग करती, पर क्या करें, हमने अमृत पी लिया है। बोल गोपियों, तुमको अमृत कहां मिला? तव तथा अमृतम। जगत में तीन अमृत प्रधान हैं। यो तो सभी वस्तुओं को, कोई भी प्रिय वस्तु उसको अमृत कह दिया जाए, सामान्य भोजन को कह दिया जाए कि साथ भोजन क्या है, अमृत है। परंतु तीन अमृत प्रधान हैं। एक अमृत है स्वर्ग का अमृत, अमृत माने स्वर्ग का, समुद्र मथने पर जो अमृत उत्पन्न हुआ उस अमृत का नाम है अमृत। एक दूसरा प्रसिद्ध अमृत है उसका, वो अमृत है ब्रह्म। ब्रह्म को भी अमृत कहा गया कि जो अमृत पदार्थ है वो ब्रह्म है। वो और अमृत का तीसरा यदि कोई अर्थ यदि कोई करे, हमसे पूछे, तो हम तो ये कहेंगे कि तेरी कथा इन दोनों स्वर्गीय अमृत और माने देवामृत और ब्रह्मामृत दोनों अमृतों को पार करने वाला तेरी कथा रूपी अमृत यह सबसे उत्तम होकर के विराजमान है। तब कथामृतम, तेरी कथा ही श्रेष्ठ अमृत है। तप्त जीवनम, ये जितने भी तप्त जन हैं उनके लिए जीवन रूप होकर के विराजमान हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, कभी भी रीडतम, कवियों ने तेरी कथा को संसार बंधन से मुक्त कराना वाला कहकर के निरूपित किया है। कवि माने दृष्टा, जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने ईडितम माने इस कथा की, ईडित माने स्तुति की है, ये कथा प्रशंसित है। कल्मषाप हम, ये हृदय के सारे कल्मष को दूर करने वाली है। श्रवण मात्र से ही यह मंगल कर देने वाली, तेरी कथा की ऐसी विशेषता कि श्रवण मात्र से ही अज्ञान को दूर कर देने वाली। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी के ऊपर पैर रखने पर मूर्छित हो गया, हाय सांप के ऊपर पैर पड़ गया, सांप ने मुझे डस लिया। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि नायम सर्पः रज्जुरायम, ये सर्प नहीं है रज्जु है, ये कहने मात्र से जैसे विष उतर जाएगा। देख रहे ये रस्सी है कुछ नहीं है सर्प, तू समझ रहा है ये सर्प है। तो जैसे श्रवण मात्र तो ज्ञान की एक विशेषता है, कृष्ण नाम की एक विशेषता है कि श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से भी वह मंगल करने वाली होकर के विराजमान।
नाम अपने आप भी प्रभाव डालेगा। यदि कोई रूप गुण का स्मरण नहीं भी कर रहा है और केवल मैकेनिक जप कर रहा है, केवल नाम की ध्वनि मात्र और संख्या मात्र पूरा कर रहा है, तब भी मंगलम श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से। जैसे नायम सर्पः रज्जु अयम, यह उपदेश मात्र सर्प के भय को दूर कर देने वाला होता है, ऐसे ही तत्त्वमसी इत्यादि जो श्लोक हैं वे श्रवण मात्र अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तू कृष्ण दास है, कृष्ण दासों से या श्रवण मात्र सारे अज्ञान को दूर करने वाला है। तो कृष्ण कथा वो वस्तु है जो श्रवण मात्र से ही मंगल कर देने वाली, श्रवण मंगलम श्री मदाततम। ये कृष्ण कथा परम शोभा से युक्त है और आततम इसका कोई और छोर है क्या? यो वा आनंद से कथा अनंतम गुणानंतम अनुक्रमिष्यन् सत बाल बुद्धि, जो अनंत की अनंत कथाओं का गायन करे वो तो बाल बुद्धि है, उसकी गिनती लिस्ट बनाना चाहे वो तो बाल बुद्धि है। तो श्रीमत ये कथा शोभा से युक्त है, आततम माने विस्तृत है। भूमि ग्रंथते इस कथा का जो गायन करते हैं वास्तव में वे ही भूरिदाजना, जिन श्री गुरुदेव ने वो कृष्ण कथा सुनाई उनसे बढ़कर के और कोई दाता नहीं है, वो ही भूरिदा परम परम दाता होकर के विराजमान। जिन्होंने कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनाया वे गुरु गुरु ही वास्तव में कोई उदार बताने दाता है। किसी ने लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ रुपया कहीं चैरिटी में लगा दिया वो दाता नहीं है, जो कृष्ण नाम सुनाता है उससे बढ़कर के कोई दाता हो ही नहीं सकता है। तो भूत दाजना ऐसे जब भूरदा कहा, श्रीमद महाप्रभु भी भूरदा भूरदा कहकर के श्री प्रताप रुद्र महाराज को कंठ से लगा दिया रथ यात्रा के प्रसंग में। भूरदा कहकर के प्रताप रुद्र को भूरदा कहकर के महाप्रभु ने संबोधित किया, क्या कृष्ण लीला का उन्होंने गायन करा, वराह पीड़न श्लोक को सुनाया कृष्ण लीला का, जय तेनका श्लोक का गायन किया। महाप्रभु भूरदा भूरदा कहकर के तुमसे बढ़कर के कोई दाता नहीं हो सकता है, प्रताप रुद्र को अपने हृदय से लगा करके विराजमान हो गए। परंतु मान मुद्रा जो है उस मान मुद्रा में उस समय कहती हुई बोली कि प्यारे हमने तेरी कथा ये समझी थी कि यह अमृत रूप है, परंतु जो प्रयोग करे वो जाने। हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि तेरी कथा अमृत नहीं है, तब कथा मृतम, तेरी कथा तो विष है, खबरदार कोई मत पीना। जहां पर कृष्ण कथा हो रही हो वहां कहीं जाना मत। ये कृष्ण कथा कहने वाले बड़े भारी पाक्षिक हैं, ये बड़े चिड़िया मार हैं।